गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल टेक। ये वीडियो थोड़ा अन्य वीडियो से अलग होगा। आज आप सिंपल टेक की लैबोरेटरी में देख रहे हैं, जहां पे साहिल और अन्य टेक एक्सपर्ट्स पुराने इक्विपमेंट्स जो आजकल नहीं यूज़ होते हैं उनमें काम कर रहे हैं। चलो चल के देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इधर साहिल इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उधर हमारे पुराने ज़माने की वॉशिंग मशीन हमारे सिंपल टेक एक्सपर्ट्स को लग गई है हाथ में। वो लोग कुछ कुछ इसके साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले पूछते हैं साहिल, ये क्या चल रहा है, किस पे काम हो रहा है? सर, ये हमारा होम थिएटर है। इसको सर हम ऑन करके चेक कर रहे हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं चलेगा तो इसे हम खोल के इसका हम साफ़ सफाई करेंगे और जो कमी होगी इसको दूर करेंगे। अच्छा, इसमें साहिल क्या क्या लगता है, इस थिएटर सिस्टम में क्या क्या चला सकते हैं? इसे हम DVD भी सर चला सकते हैं और इसमें हम कैसेट भी लगा सकते हैं। ओ, और ये देख रहे हैं आप पुराने ज़माने की कैसेट, मुझे अपने दिन याद आ गए भाई। और ये टोक्यो जापान का बना हुआ है। कहाँ का बना है? टोक्यो जापान। कौन सा कंपनी है ये? जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत पुराना आईवा कंपनी का है ये, और इसमें USB भी है। USB इसमें लगाया गया है दोबारा, ये कंपनी से नहीं लगाया हुआ, इसको लगाया गया है बाद में एक्स्ट्रा USB। ऐसा कैसे कह सकते हैं साहिल कि इसको एक्स्ट्रा लगाया गया है? क्योंकि सर अगर वो लगाया हुआ होता तो यहाँ पे सिस्टम दी थी, जहाँ पे प्लेट लगा के इसको बाहर से इंजेक्ट किया गया है। इसे सोल्डरिंग आयरन से पिघला के इसको निकाल के बाहर से इसको लगाया गया है। इसको अलग टेक्निक लगाई गई है, अलग टेक्निक लगाई इसके लिए। उसके लिए धीरज आप ये सब क्या है सर? इसके जो इसमें लाइट से कनेक्ट करने के बाद जलते हैं, और इसमें पीछे जो इसकी लीड है यहाँ से इसको कनेक्ट करके होम थिएटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इससे उसकी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा बढ़े बढ़े और बेहद दिखा सके। हमारे साथ उदय जी हैं जो स्क्रू के साथ कुछ कर रहे हैं। उदय जी, आपका मेन इसमें क्या हुआ है, क्या चाहते हैं, आज आप क्या बजाएंगे इसमें? इसमें सर हम कैसेट लगा के बजाएंगे कुछ प्रोग्राम। कैसेट लगा के? आपके पास कैसेट वगैरह है पुरानी? अभी तो नहीं है लेकिन प्रयास है। चलो देखते हैं, जब होम थिएटर बजेगा तो हम वापस आएंगे। फिलहाल आते हैं हम अपने अलग एक्सपर्ट, बहुत ही पुराने जमाने, बाबा आदम के ज़माने की मशीन लग रही है ये। कौन सी जब मशीन है ये, कैसे चलती है? अंकित जी सर, कैसे चल रहा है ये, क्या हो रहा है इसमें? वॉशिंग मशीन है पुराने ज़माने की। तो इसमें क्या सिस्टम है अभिनव? कपड़ा धोने और सुखाने की। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गई है, कपड़ा डालिए सूख जाता है, धो भी जाता है। इसमें क्या सिस्टम है? इसमें सर अलग अलग सिस्टम है सर, इसमें धुल जाता है। कुछ जरा चला के दिखाइए, जरा सिस्टम बताइए, चल रही है ये? जी सर। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो ये हमारी मशीन चल रही है, पानी अभी नहीं है पर ये तो दोनों तरफ घूम रही है। ये ऑटोमेटिक है दोनों तरफ। और ये कौन सा बटन है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? वाटर सप्लाई है। और वॉश टाइमर है, इससे हम टाइम सेट कर सकते हैं। हाँ, ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑफ हो गई। और ये क्या है? अच्छा, अपने आप ही सेट करने का है। वॉश सेलेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का वॉश आपको चाहिए, नॉर्मल चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चाहिए। अच्छा, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग करने से क्या हो रहा है, मोटर तेज घूम रही है? तेज धीमे होते हैं। अच्छा, मोटर की तेज धीमे होने का काम है। और ये क्या है, विंड जेट ड्राई? कपड़ा सुखाने का है। वेरी नाइस। तो ये भी मशीन चल रही है और हम देख रहे हैं कि हमारे साहिल के ग्रुप ने पूरा खोल डाला है। बहुत जल्दी इस आईवा का पोस्टमार्टम हो जाएगा और इसके पास चलने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हुआ, किस तरह ये हमारा होम थिएटर सिस्टम चला। पर फिलहाल हम अपने टेक एक्सपर्ट्स को काम में लगने देते हैं। देखते रहिए सिंपल टेक, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।